और इस मजेदार उड़ान के बाद अब दिखाते हैं आपको कि युवा लोग अपना पेशा कैसे चुनते हैं और कहाँ हासिल करते हैं वो अपनी पसंदीदा पेशेवर ट्रेनिंग। आंधी तूफान हो या बरसात, जेनिफर गॉट्सलिस्ट को ट्रांसफार्मर स्टेशन को ठीक रखना पड़ता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को घरों में इस्तेमाल होने वाली 230 वोल्ट वाली बिजली में बदला जाता है। जेनिफर और उनके साथी ना हो तो घरों को बिजली नहीं मिलेगी। मैं दफ्तर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई, वो मुझे बोरिंग लगता है। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं होती कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हाथ में कालिख लग जाएगी या मुझे छोटी सी जगह बैठकर गड्ढा खोदना होगा, मुझे इसमें मजा आता है। 24 वर्षीय जेनिफर जर्मनी में आ रहे ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा हैं। वो अपने काम के जरिए नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अब ये चाहे परंपरागत ऊर्जा हो या अक्षय ऊर्जा, उनके लिए कोई अंतर नहीं है, लोगों तक बिजली पहुंचनी चाहिए। कौन सी बिजली आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली बिजली है। जर्मन शहर एसेन, जेनिफर को नौकरी देने वाली कंपनी कभी यहीं से शुरू हुई थी, परंपराओं वाली कंपनी RWE। परमाणु ऊर्जा से विदा लेने के जर्मनी के फैसले के बाद उसे समस्या हो रही है। परंपरागत बिजली के कारखाने फायदेमंद नहीं है, लोगों के रोजगार पर बनाई है। कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय होने में काफी देर लगा दी है। पड़ोसी शहर ड्यूसबर्ग यूनिवर्सिटी में भी ऊर्जा एक अहम मुद्दा है। ये स्टूडेंट पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए नया मटेरियल खोज रहे हैं। 4 साल पहले फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना के तुरंत बाद यहाँ एनर्जी लाइंस का कोर्स शुरू किया गया। फिजिक्स के प्रोफेसर राल्फ मोयलर ने अपने एक साथी के साथ कोर्स की शुरुआत की। यहाँ से पास करने वालों की भारी मांग है। हमारी समस्या ये भी है कि स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी उन्हें पढ़ाई खत्म होने से पहले ही नौकरी दे देती है। इस लिहाज से मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे छात्रों को फौरन अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फाबियो फाबा कभी ड्यूसबर्ग नहीं आए होते अगर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं होता। उनके साथ पढ़ने वाली टाबिया बोगदान और दूसरे छात्रों का भी यही हाल है। अगर यहाँ के लोगों को लीजिए, यूनिवर्सिटी और शहर के ढांचे को लीजिए, तो ये उतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं कि शहर रहने लायक नहीं, ये जीने लायक शहर है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उतना गंदा नहीं है जितना कई बार लोग सोचते हैं। ये बहुत ही हरा भरा है और सुंदर भी। वापस RWE में जेनिफर के पिता की इलेक्ट्रिकल सामानों की दुकान थी। पेशे का चुनाव स्वाभाविक था, फिजिक्स और मैथ्स में अच्छे मार्क्स की जरूरत थी और वो चल पड़ती हैं अगले ट्रांसफार्मर स्टेशन के लिए। जेनिफर को अपना पसंदीदा काम मिल गया है, लोगों तक सुरक्षित बिजली पहुंचाने का काम।